नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल ऑल इन एंट्री। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसा इंट्रो बनाना या फिर आप कोई भी मतलब इफेक्ट वाला इंट्रो या कुछ भी बनाना है इस टाइप से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप से अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे कि वेडिंग फोटो या वीडियोग्राफी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा अच्छा इफेक्ट वाला बनाना, या फिर अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए इंट्रो बनाना, तो ये सारा चीज़ आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने एक बनाया हुआ है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो फ्री में बना सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। देख सकते हैं हमने चैनल के लिए इंट्रो बनाया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लगता है साउंड के साथ, अगर आप बनाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का बटन है, आप इस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटा का आइकन है इसे दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, या ये आप मोबाइल से भी बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको इसके लिए एक अपना लोगो बनाना होगा, जो कि आपको मतलब अपने चैनल का कोई भी लोगो हो लोगो बना लीजिए, उसके बाद आप ऐसा वीडियो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, जैसे आप गूगल टाइप कीजिएगा तो आपका गूगल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है फ्लेक्स FLIXPRESS, आपको सिंपली इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप इतना सा लिखिएगा तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा इस वेबसाइट में, मतलब आपको बिना रजिस्ट्रेशन के आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपको इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यह अपना नाम या ईमेल डाल के आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप अपना गूगल से साइन अप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ ही आपका गूगल अकाउंट आ जाएगा, आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जितना गूगल होगा वो सारा आ जाएगा। तो हम यहाँ से अपना कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, जीमेल सेलेक्ट करने के बाद ये आपका लॉगिन इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद बनाना कैसे है, जैसे कि हमने ये वाला बना के आपको दिखाया है तो हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप से खुलेगा और यहाँ से आप इसे प्ले करके देख भी सकते हैं, तो हमें प्ले करके देखना नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बना कर दिखाते हैं। तो आपको सिंपली इतना सा करना है, उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि एक फ़ोटो अपना मतलब इमेज अपलोड कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम कोई भी एक इमेज अपलोड कर देते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले अपना लोगो अपलोड किया था, लेकिन अभी हम अपना कोई एक दूसरा फोटो अपलोड करना चाहते हैं। तो चलिए हम कोई फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे सही का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको मतलब इस फोटो को क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा आप कैसा मतलब इसमें दिखाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो हम इतना सा यहाँ पर क्रॉप करके वहाँ उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप इसमें लिखना क्या चाहते हैं, जैसे ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इसमें आपका फोटो दिखाई देगा, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आप लिखना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो आपको मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे हमने अपने यहाँ पर नाम लिख दिया, और उस नाम को किस कलर में आप दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस कलर में आप उस नाम को दिखाना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बस आपको इतना ही सा काम करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करो। यहाँ से ऑडियो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑडियो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑडियो काफ़ी अच्छा है तो ये ऑडियो हम यही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी सेलेक्ट करना होगा, किस क्वालिटी में आप मतलब उसे कन्वर्ट करके निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक क्रिएट प्रीव्यू पे आप देख सकते हैं, या आप सबमिट ऑर्डर पे यहाँ इसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद फिर से आपको यही स्पेस पर लेके आएगा, तो आपको यहाँ पर व्यू माई ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से एक मतलब दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करके ये ले जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद आपका ये वीडियो को बना देगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वीडियो बन चुका है, ये मतलब एक दो मिनट टाइम लेगा, तो आप यहाँ पर रुक जाइएगा। यहाँ पर माई ऑर्डर में देख सकते हैं हमने तीन वीडियो बनाया हुआ है, जो कि अभी हमने ये वाला वीडियो बनाया है, तो आपको सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर बन चुका है, और इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड एंड शेयर पर क्लिक करना है।
उसके बाद इसे किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड एससी या एसडी, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एसडी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये वीडियो आपके मतलब गैलरी में या आपको डाउनलोड फाइल में ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेट स्लो है इस कारण से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। उसके बाद आप इसे यहाँ से बहुत आसानी के साथ प्ले करके आप देख सकते हैं, या आप किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट में या कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ से इसे डाउनलोड कर, देख सकते हैं साउंड के साथ ये कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा दोस्तों आप बहुत आसानी के साथ वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए।